युवक ने नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करने लगा। तंग आकर बालिका ने परिजनों को बताया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हरदा जिला मुख्यालय की जोशी कॉलोनी निवासी नाबालिग बालिका को कॉलोनी के ही लड़के ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की और प्यार किया तथा शादी का झांसा देकर 6 माह में कई बार दुष्कर्म किया और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। बालिका के परिजनों का कहना है कि पिछले 5 से 6 माह में युवक ने बालिका से 7-8 लाख रुपए ऐंठ लिया। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर बालिका ने अपने परिजनों को बताया। परिजनों के साथ बालिका थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। बालिका की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। हरदा से आलोक गौर की रिपोर्ट। पहले ये घटना बलात्कार की बाल अपचारी के घर में बताई है, उसके बाद दोबारा उसके साथ जब घटना हुई दुष्कर्म की तो पेट्रोल पंप खेड़ीपुरा नाका की उस तरफ जो पेट्रोल पंप है उसके सामने का होटल का नाम बताई है उसने। उस चीज की भी हम तस्दीक कर लेंगे, तस्दीक करने के बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। होटल का क्या नाम है? होटल का नाम स्पष्ट नहीं बता पा रही बच्ची। कल की घटना है, कल नाबालिग बच्ची है जो अपने माता परिजन के साथ थाना रिपोर्ट करने आई थी और मोहल्ले का ही लड़का है, वो भी बाल अपचारी है। लड़की के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत स्टार्ट हुई थी, दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के बाद उसको शादी का झांसा दे के उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था, जिस पर से पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है, उसकी विवेचना हो रही है। कुछ पैसों का मामला, कुछ जो है उसको धमका के पैसा भी जो लेता था, पैसा है क्या? हाँ, बच्ची को धमकी देता था वो कि तुम्हारे कुछ वीडियो है मेरे पास असली, अगर तुम मुझे पैसे दो, नहीं दोगे तो मैं वायरल करूंगा, ये धमकी भी दिया था उसको। इस वजह से बच्ची डर के कारण परिजनों को भी नहीं बता पाई थी। फिर जैसे परिजनों के संज्ञान में बात आई, उसने तत्काल थाना की रिपोर्ट की और हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। बालिका के द्वारा कुछ गोल्ड वगैरह भी दिए गए और कुछ नगद भी दिए गए, मोबाइल वगैरह भी दिए गए, क्या है? नहीं, इस संबंध में फरियादी स्पष्ट नहीं बता पा रही है, उससे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कितने आरोपी को अभी तक मामला दिया है? अभी तो हमने मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, कर की है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में मामला कायम हुआ? 376, 384, 506, 5/6, 501। कितने आरोपी? आरोपी अभी तो एक ही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।